हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाले BS6 स्कूटर्स और बाइक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से पूरा देखिएगा और वीडियो के आखिर में आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिएगा जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, नवे नंबर पे जो है वो एक स्कूटर है। इस स्कूटर का नाम है सुजुकी XS125। इस स्कूटर के जो एक शोरूम प्राइस है वो जाती है 62,100 से लेकर 72,400 तक। सो कंपनी क्लेम करती है स्कूटर का माइलेज वो है 52 किलोमीटर पर लीटर। और अगर आप इसे सिटी में चलाते हैं तो आराम से आपको 45 से 50 तक का माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगा आपको। और अगर आप इसे हाईवे पर लेके जाते हैं तो आपको 52 से ऊपर का ही माइलेज देखने को मिलेगा। तो ये तो था हमारे 9th नंबर पे व्हीकल। बढ़ते हैं हमारे अगले व्हीकल की तरफ। सो दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगले नंबर पे जो व्हीकल है उसका नाम है अपाची RTR 164V। इस बाइक की जो प्राइस की बात की जाए तो वो जाती है 1,04,000 से लेकर के 1,07,000 तक। इस बाइक की जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 54 किलोमीटर तक की। और अगर आप इसे सिटी में राइड करते हैं तो आराम से आपको 45 से 50 तक की आपको आराम से माइलेज निकाल करके दे देगा। और अगर आप इसे हाईवे पर लेके जाते हैं तो 50 to 55 तक की माइलेज आपको बहुत ही ईजिली प्रोवाइड करा देगा। तो दोस्तों, ये तो था हमारे 8th नंबर पे बाइक। बढ़ते हैं हमारे अगले व्हीकल की तरफ। तो दोस्तों, 7वें नंबर पे जो व्हीकल है ये एक बाइक है जिसका नाम है हीरो XT160R। ये इसी इंडिया में लॉन्च हुई है और इस बाइक के जो एक्स शोरूम प्राइस जाती है 99,000 से लेकर के 1,03,000 तक। और इस बाइक का जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो जो है 55 किलोमीटर। अगर आप इसे सिटी में राइड करते हैं तो आराम से आपको 45 to 50 तक आराम से आपको निकाल के दे देगा। अगर आप इस हाईवे पर लेके जाते हैं तो आराम से आपको 50 to 55 तक की माइलेज आराम से आपको प्रोवाइड करा देगा। कई लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि 55 से ऊपर भी ये बाइक माइलेज देती है। तो चले गए, ये तो था हमारे 7th नंबर पे बाइक। और बढ़ते हैं हमारे अगले व्हीकल की तरफ। तो दोस्तों, 6वें नंबर पे जो व्हीकल है ये एक स्कूटर है। स्कूटर का नाम है एक्टिवा 125। इस स्कूटर के जो शोरूम प्राइस जाती है वो जाती है 66,000 से लेकर के 78,000 तक। और इसकी कंप्लीट क्लेम माइलेज की बात करें तो वो है 60 किलोमीटर पर लीटर। और अगर आप इसे सिटी पर राइड करते हैं तो आपको 51 से 55 तक आराम से माइलेज देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसे हाईवे पर लेके जाते हैं तो इससे आपको माइलेज 55 से लेकर के 60 तक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसे थोड़ा आराम से स्मूथली चलाते हैं सिटी में तो आपको 60 से ऊपर माइलेज देखने को मिल सकता है। तो ये तो था 6वें नंबर पे व्हीकल। बढ़ते हैं हमारे अगले व्हीकल की तरफ। सो दोस्तों, 5वें नंबर पे जो व्हीकल है वो एक बाइक है और इस बाइक का नाम है स्प्लेंडर आई स्मार्ट, जो कि 110cc के साथ आते हैं। और इसकी जो एक शोरूम प्राइस जो जाती है वो है 65,000 से लेकर के 67,000 तक। और इस बाइक की जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 61 किलोमीटर पर लीटर की। और अगर आप इसे सिटी में राइड करते हैं तो इजीली आपको 50 से 55 तक आराम से निकाल कर दे देगा। और अगर आप इसे हाईवे पर लेके जाते हैं तो 55 से ऊपर का ही आपको माइलेज देखने को मिलेगा। तो ये तो था हमारे 5th नंबर पे व्हीकल। बढ़ते हैं हमारे अगले व्हीकल की तरफ। सो 4th नंबर पे जो व्हीकल है ये एक स्कूटर और स्कूटर का नाम है यामाहा रेस ZR125। और स्कूटी की जो एक शोरूम प्राइस जाती है वो जाती है 67,000 से लेकर के 71,000 तक, जो कि स्कूटर के एक शोरूम प्राइस है। और कंपनी क्लेम माइलेज जो है वो है 66 किलोमीटर की। और अगर आप मेरी मानो तो ये स्कूटी जो है आपको सिटी में अगर आप इसे राइड करते हैं तो आपको इजीली 55 टू 60 का माइलेज निकाल करके दे देगी। और आप इसे हाईवे पर लेके जाते हैं तो 64 से ऊपर ही आपको ये माइलेज दे देगी। तो ये तो था हमारे 4th नंबर पर व्हीकल। बढ़ते हैं हमारे अगले व्हीकल की तरफ। तो 3rd नंबर पे जो व्हीकल है ये भी एक व्हीकल नहीं सॉरी ये एक बाइक है, स्कूटर नहीं है, एक मोपेड है। और इस मोपेड का जो एक शोरूम प्राइस जाता है वो जाता है 44,000 से लेकर के 46,000 तक। और इसका जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 80 किलोमीटर पर लीटर। और मेरी मानो तो भाई आपको 70 प्लस आपको ईजिली दे देगी अगर आप हाईवे में चलाओ या फिर सिटी में चलाओ। सो ये तो था 3rd नंबर पे व्हीकल। बढ़ते हैं हमारे अगले व्हीकल की तरफ। सो 2nd नंबर पे जो व्हीकल है ये एक बाइक है और इस बाइक का नाम है हीरो स्प्लेंडर प्लस। और ये भाई जानते हैं कि बहुत ही पहले से बाइक चलती आ रही है और वन ऑफ दी अपने सेगमेंट सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक मानी जाती है। तो इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस की बात करी जाए तो वो आपकी जाती है 60,000 से 64,000 तक। और इसके कंपनी क्लेम माइलेज जो है वो है 80 किलोमीटर पर लीटर। और मेरी मानो तो ये आपको आराम से 70 से ऊपर का माइलेज दे देगी। और अगर आप इसे हाईवे पर लेके जाएंगे तो आपको 75 से 80 तक का माइलेज आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा इस बाइक से। सो ये तो था हमारे 2nd नंबर का व्हीकल। बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले व्हीकल की तरफ।
सो सबसे पहले नंबर पे जो व्हीकल है ये एक बाइक है, और इस बाइक का नाम है बजाज की सिटी 110, और इस बाइक के जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 52,000, और इस बाइक की जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो 104 किलोमीटर पर लीटर है, और मेरी मानो तो इतना आपको नहीं दे पाएगी ये बाइक, और ये आपको जो देगी वो है 90 से अब भी आपको देगी अगर आप सिटी में से राइड करते हैं, और अगर आप इसे हाईवे पर लेके जाते हैं और इस बाइक की कंडीशन बहुत अच्छी है तो आपको ईजिली 95 प्लस देखने को मिल जाएगा इस बाइक का माइलेज। सो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और कुछ टॉपिक सजेस्ट करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो चलिए मैं आपको मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।